गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नवीं कक्षा की पर्यावरण बचाओ कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे। बच्चों तो देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए है, आज किसको बचाने की मांग है। आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। तो दूसरा प्रश्न है, जीव कब तक जगत में रह सकता है। जीव कब तक जगत में रह सकता है। जीव जब तक जग में पानी और शुद्ध वायु है तब तक जग में रह सकता है। तो देखो आपका तीसरा प्रश्न, कवि किसको शुद्ध रहने की बात करते हैं। कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, सोनी मिट्टी को क्या कहा गया है। सोनी है वो, सोनी मिट्टी को रानी कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? रानी कहा गया है। बच्चों एक बार आपको पद्य अच्छे से पढ़ना है, पद्य पढ़ने के बाद आपको प्रश्न उत्तर देखना है। अगर आप डायरेक्टली प्रश्न उत्तर देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको पद्य राग से मिलेगी और पद्य का पूरा विवरण मिलेगा, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पद्य पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर है पांचवा प्रश्न है आपका, जीव जगत के मित्र कौन कौन है। जीव जगत के मित्र ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि है। तो देखो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर प्रश्न उत्तर को सीखना है बच्चों। तो आपका छठा प्रश्न है, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं। कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। शोर मीन्स गराटे, मिट्टी मीन्स मन्नो। तो आपका सातवां प्रश्न है, देखो कभी एक वृक्ष के पत्ते में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं। कभी कभी हुआ है वहां पे बच्चों, कभी आना है वहां पे। कभी एक वृक्ष के पत्ते में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं। कभी कहते हैं कि एक वृक्ष कभी हुआ है बच्चों, कभी है वो। एक वृक्ष के पत्ते में 11 है, अनंत वृक्ष वहां पे रुख है, क्ष लिखना है बच्चों, वृक्ष लगाने को कहते हैं। थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक है बच्चों, अक्षरों का मिस्टेक है, यहाँ पर आपको देखना है और अच्छे से लिखना है। तो देखो आपके दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण का महत्व समझाइए। क्या है? पर्यावरण का महत्व समझाएंगे। तो देखो उत्तर देखो आपका, पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है ना, सच्ची है ये। पर्यावरण इलाज तो वातावरण इलाज तो मनुष्य में साधे लगने के असंभव है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन आज बिगड़ रहा है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। समझ रहे ना बच्चों? तो आपका दूसरा प्रश्न है, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जनरल क्वेश्चन है बच्चों आपको, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, आपको लिखना है। तो देखो उत्तर देखो आपका, परिसर की रक्षा के लिए हमें हवा पानी को शुद्ध रखना है। मिट्टी का संघर्ष करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, तभी पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। आपको बहुत कठिन नहीं है बच्चों, बहुत सरल है क्वेश्चन आंसर आपके। आपको नेक्स्ट है आपका, जोड़ कर लिखिए। देखो आपको जोड़ कर लिखिए क्या है, देखो जग में पानी, क्या है यहाँ पे पानी, मिट्टी रानी, क्या है मिट्टी रानी, मानव का क्या है देखो यहाँ पे जीवन, मानव का क्या है जीवन, एक वृक्ष लगाओ नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, और देखो एक वृक्ष नित रोपेंगे मीन्स गणित देवे, शपथ खाओ आठ देवे, समय की मांग है। तो बच्चों देखो आपको क्या है
सही शब्द के रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो आज समय की ब्याज यही है पर्यावरण बचाओ। क्या है उत्तर है देखो आपका यहाँ पे मांग है। क्या है मांग देखो उत्तर है यहाँ पे डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा। डैश और डैश का शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे। ध्वनि मिट्टी डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी। ध्वनि मिट्टी कौन है जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। एक डैश हम नित रोपेंगे नित मीन्स प्रतिदिन वृक्ष नहीं तो एक वृक्ष हम नित पेड़ रोपेंगे। तो आपको अभी लिखना है पर्यावरण बचाओ कविता का भावार्थ लिखना है बच्चों को। देखो ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी उनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। तो देखो किसका उपभावार्थ है यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। कविता के इन पंक्तियों में कवि कवि का नाम लिखना है यहाँ पर। कवि कौन है डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। परशुराम शुक्ला जी का नाम आपको लिखना है। तो देखो कविता की इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मानव के मित्र ध्वनि मिट्टी और जलवायु हैं। मानव के मित्र कौन है ध्वनि मिट्टी और जलवायु हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर ये प्रदूषण हित रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और तत्परस्त बनेगा। हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी में रासायनिक तत्वों का प्रमाण अधिक होने से हमें पौष्टिक खाद्य नहीं मिल रहा है। इसे हमें रोकना होगा। अब यही हमारा परम कर्तव्य है परम धर्म है। हम कहते हैं कवि परशुराम शुक्ला जी कहते हैं यहाँ पे। तो देखो निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए यहाँ पे गलत दिया गया है बच्चों। जीवा जीव वहा यहाँ पे तो जीव वायु ऐसा लिखना है। पानी ऐसा लिखना है बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों। आपको समझ कर लिखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है और आपको क्या लिखना है। कर्तव्य देखो गलत हुआ है मानव मनो हुआ है यहाँ पे मानव भी लिखना है। तो देखो पशु पक्षी मानव के मित्र है। देखो कितना अच्छी बात है कितनी अच्छी बात है। पशु पक्षी कौन है मानव के मित्र है। निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवर सांप प्राणियों तथा 10 पक्षियों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखना है पक्षियों के नाम लिखना है। देखो यहाँ पर 10 है। देखो यहाँ पर पालतू जानवर है गाय पक्षी है तोता बकरी पालतू जानवर है कबूतर है कुत्ता है बगुला है भैंस यानी एमए सारस पक्षी है जो आसमान पर उड़ता है बिल्ली बेकू कोयल ने कोटिले है। यहाँ पे आपको ये 10 पक्षी और प्राणियों के नाम यहाँ पे दिया गया है। घोड़ा गधा खरगोश भेड़ पक्षी है मोर हंस बुलबुल मैना। तो आपको पालतू जानवर और पक्षियों के जानवरों के नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक सूची दी गई है। निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधे और फूल
मेरा हमारा है, तेरा तुम्हारा लिखना है, तेरा तुम्हारा लिखना है।